तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले एक ऐसा कीबोर्ड जो कि ऑफिस वर्कर्स होते हैं उनमें काफ़ी फेमस है इस कंपनी का कीबोर्ड। अगर मैं बताऊँ उसकी कंपनी का नाम क्या है, वो है TVS। TVS जैसे कि आपने सुना होगा कि ये तो बाइक्स बनाती थी, TVS अपाचे टाइप, ये सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे कैसे आ गई। तो दोस्तों इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसका कीबोर्ड है जो कि TVS गोल्ड प्रो मैंने मंगाया है। इसका एक गोल्ड मॉडल भी मिलता है जो कि 2800 का हमें देखने को मिलता है। साथ साथ मैं बात करती हूँ इसकी गोल्ड प्रो की, जो मैंने खरीदा है मेरे को 3600 का पड़ा है। अगर आप ऑफर मिलेंगे तो आपको 3200 तक का पड़ जाएगा जब दिवाली सेल या कुछ भी सेल आती है। तो अब बात करते हैं इस कीबोर्ड में ऐसा खास क्या है कि हम इसके ऊपर 3600 रुपये लगाएं और 1000-1500 के कीबोर्ड ना लें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो कीबोर्ड है ये फेमस है बहुत ज़्यादा लंबे लाइफ स्टाइल के लिए। ये 10-10 साल बाद भी लोग इसे बेच देते हैं दुकान वालों को, लेकिन ये खरीद ये कभी भी खराब नहीं होता। लोग दूसरे से 10-10 साल पुराना खरीद भी लेते हैं और ये तब भी चलता रहता है। दोस्तों ऐसे सारी खास बातें आज हम इसके जानने वाले हैं, ये कैसा है, कितने इसका बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सब कुछ जानते हैं। फटाफट से हम कर लेते हैं इसको ओपन। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको ओपन। ओपन करेंगे तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो इसका कुछ इस टाइप का हमें ये बॉक्स देखने को मिलेगा। ये इसका बिल है, यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे गोल्ड प्रो, यहाँ पे ये वाटर बना हुआ दिखा रहा है, मतलब ये जो कीबोर्ड है ये वाटर रेजिस्टेंट है और ये अल्ट्रा रेजिस्टेंस कीबोर्ड है। ये तो उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, एनहेंस 80 मिलियन की स्ट्रोक्स, मतलब आप लगभग 80 करोड़ बार जब आप एक की को 80 मेरे हिसाब से 800 करोड़ बार, तो जब एक की को दबाएंगे उसके बाद जाके खराब होगी। मे भी शायद अगर आप आराम से रहें तो शायद उसके बाद जाके ख़राब ना हो। तो आपका जो ये कीबोर्ड है बड़े बड़े आराम से बिना किसी डाउट के 10-12 साल तो आराम से निकाल देगा। अगर आप एक गेमर भी हैं तो आपके लिए भी ये कीबोर्ड ज़रूर रिकमेंडेड है, और अगर आप एक रफ गेमर है जो कि मतलब गुस्से गुस्से में मार भी देते हैं अपने कीबोर्ड पर, तो ये आपके लिए भी ज़रूर रिकमेंडेड होगा। क्योंकि जो कीबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा कीबोर्ड है, सबसे पहले मैं आपको उसकी मेन चीज़ दिखाता हूँ जो कि वो और कीबोर्ड्स के साथ होती है, वो है तार। दोस्तों कहने को तो इसका तार जो है वो बिल्कुल वही है, प्लास्टिक का रबर का तार है इसका, लेकिन जो तार की जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो इसकी भी क्वालिटी भी है तार की वो भी बहुत अच्छी है। ऐसा होता था कि मैंने पहले देखा था और कीबोर्ड्स में जो सस्ते आते हैं उनमें ये दबता रहता था ऐसे, तो ये ऐसा इसमें मेरे को देखने को बिल्कुल नहीं मिला और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड मेरे को देखने को मिला है। साथ साथ में बात करेंगे इसमें 3600 रुपये का और ऐसा क्या है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो कीबोर्ड है थोड़ा सा कर्व्ड है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं जो कीबोर्ड है ये कर्व्ड है। तो कर्व्ड होने का इसमें कुछ कई सारे हमें फायदे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप गेमिंग करते हैं कुछ भी करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, जैसे हम गेमिंग कर रहे हैं टाइपिंग कर रहे हैं हम स्पेस दबाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर हम कोने में भी मैं दबाऊंगा तो हल्के से में दब जाता है। और अगर आप सस्ते कीबोर्ड या कोई 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 महंगे कीबोर्ड में भी अगर आप कोने से बिल्कुल दबाते हैं तो वो दबता नहीं है। तो ये जो कीबोर्ड है ये इस चीज़ में बहुत ही बेहतरीन है। कर्व्ड है तो आपके जो उंगलियां का जो पहुंचने का मतलब एक तरीके से आप रीच है वो भी आपकी कम हो जाती है, मतलब रीच कम हो गई तो मतलब आपको बहुत कम उंगलियां जानी पड़ेंगी, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अपने आप ही फास्ट हो जाती है। और जिसके की स्ट्रोक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। साथ 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 में अगर इसकी आवाज़ अब मैं आपको सुनाऊँ कैसी है इनके कीज़ की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये इसकी कीज़ है बहुत ही तगड़ी क्वालिटी की कीज़ हमें देखने को मिल जाती है। ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो अगर आप गेमर हैं ऑफिस वर्कर हैं ऑफिस वर्कर लिख रही तो ये बेस्ट कीबोर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो पेन रखने का एरिया है यहाँ पे आप इसमें पेन भी रख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी इसकी ऐसी है कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, और कोई भी महंगा कीबोर्ड हो वो लगभग मुड़ जाते हैं ऐसे, मैं इसको ऐसे मोड़ भी नहीं सकता, ये इतनी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। अगर मैं इसको किसी के सर पर या कहीं मार दूँ शीशे वीशे पर तो शीशा तोड़ देगा, लेकिन इसे कोई खाउंज भी नहीं आने वाली। ये इतना तगड़ा कीबोर्ड मुझे देखने को मिला है। और मैं साफ बात इसकी बताऊँ तो मैंने इसको जब यूज़ किया था पहले किसी और पे, तो इसमें जो टाइपिंग स्पीड है ना, ये जिस टाइप का इसका लेआउट है, जिस टाइप का ये कर्व्ड है, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हाथ में लगता है, क्योंकि यहाँ से भी ये कर्व्ड है तो मतलब चुभता नहीं है हाथों में, और साथ साथ में कर्व्ड है तो जो रीच है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से टाइपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और साथ साथ में यहाँ पे जो कीज़ है अगर उनको हल्का सा प्रेस करता हूँ, बहुत माइनर सा, जैसे कि आप मान सकते हैं कि टच स्क्रीन मोबाइल जैसे आप चलाते तो उतने में भी प्रेस हो जाते हैं, ये इसका एक बहुत अच्छा फायदा है। तो जो इसमें मेरी टाइपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टाइपिंग जो मेरी स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेट 25 आती थी, इसकी वजह से 32 से 33 तक का तो मेरे को इंक्रीज देखने को मिला है। जो आप नॉर्मल टाइप कर रहे हैं, मतलब आपको मैंने अब तक इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी, एक डिसएडवांटेज बस मुझे जो इसकी देखने को मिली है वो है इसका बैक स्पेस। बैक स्पेस है जो इसका ये बहुत छोटा सा है, तो इसकी आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन और अगर ओवरऑल बात करें, मैं आपको सिर्फ एक और चीज़ देखने को नहीं मिलती, वो है इसकी RGB। अगर आप RGB फैन बॉय नहीं है तो आपके लिए, वैसे आप RGB फैन बॉय अगर
है भी और आप चाहते हैं कि मैं RGB में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, लेकिन एक क्वालिटी कीबोर्ड लेना चाहता हूँ मैं जो मेरा कम से कम 10 साल में आपके कम से कम मैं बता सकता हूँ आराम से कि 5 कीबोर्ड से 6 कीबोर्ड तो आपके ख़राब हो ही जाएंगे। अगर आप 1000-1200 के भी लेंगे तो वो भी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। और ये इसमें जो इसकी जो कीज़ है वो 80 मिलियन तक है, ये तो मैंने आपको बताया था। और जो इसका की लेआउट है ये लेज़र से, एक तरीके से हमको देसी भाषा में बताओ तो लेज़र से गड़ा हुआ है इसके अंदर। अगर आप केमिकल से इसको उतार भी देते हैं तो इसका जो छाप है वो आपको पूरा का पूरा कीज पे दिखाई देगा। तो अगर आप केमिकल से आपने इसका पेंट उतार भी दिया, लेज़र प्रिंटेड है, अगर आपने वो उतार भी दिया तो भी आपको जो कीज़ है वो अच्छी तरह दिखाई देंगी। तो ये जो आपका लैपटॉप में, जैसे मैं आपको बार बार बताया जा रहा हूँ कि 10 से 12 साल तो ईजिली आपका चल ही जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका कुछ रिव्यू। अगर आपको मैं बताऊँ इसकी बस एक और कमी मेरे को देखने को मिली है, इसका वायर लगभग आधे मीटर का वायर है। अगर आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट कीबोर्ड है। साथ साथ में अगर देखा जाए इसमें इसके जो ये जो स्टैंड्स हैं, अगर इसको अपर लिफ्ट करने वाले, ये स्टैंड्स की भी क्वालिटी बहुत तगड़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने में कोई और लैप का होता सस्ता का तो वो टूट भी सकता था। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है, कुछ पहले से भी उठा हुआ है और कुछ कर्व्ड भी है। तो ये जो कंफर्टेबलनेस जो इसकी है वो बहुत ज़्यादा मेरे को देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये है। दोस्तों ये था इसका रिव्यू। अगर आपको इस कीबोर्ड को लेकर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों ये था हमारा कीबोर्ड का रिव्यू। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।